Electronics. All about electronics. फ्रेंड्स तो ये एक स्मार्ट बोर्ड है जो कि 4 सॉकेट के लिए है। यहाँ पे 4 5 पिन सॉकेट यूज किया हुआ है मैंने, 4 स्विचेस यूज किया हुआ है और एक इंडिकेटर लाइट यूज किया हुआ है। जैसे ही ये स्विच ऑन होगा तो वो लाइट ग्लो करेगा, तो 4 सॉकेट लिए 4 इंडिकेटर लाइट जिएगा। और इस बोर्ड में एक खासियत क्या है, इसमें 5 वोल्ट सॉकेट भी है और 12 वोल्ट का भी सॉकेट भी है। तो अब इसके हम लोग अंदर देखते हैं कैसे वायरिंग है क्या है। तो जैसा कि आप वायरिंग देख रहे हैं बहुत ही थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नहीं है क्योंकि मैं इसको स्मार्ट बोर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको IoT के बेसिस पे कंट्रोल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक NodeMCU लगाया हुआ है और एक बजर लगाया हुआ है और यहाँ पे 5 वोल्ट के 4 चैनल रिले हैं और एक 5 वोल्ट का चार्जर सप्लाई है और ये 2A स्विच है और एक 5 पिन का सॉकेट है और यहाँ पे 5 वोल्ट का सॉकेट है और यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है। तो ये अंदर से ऐसा दिख रहा है। तो इसके वायरिंग पे एक वायरिंग पे चलते हैं हम लोग। तो जैसा कि बोर्ड में दिख रहा था ये NodeMCU है, ठीक है ना, NodeMCU है और ये 1 चैनल का रिले बोर्ड यूज किया हुआ है मैंने। तो 1 चैनल का रिले बोर्ड है ये। तो रिले बोर्ड के इनपुट में क्या रहता है, 5 वोल्ट सप्लाई रहता है और एक सिग्नल पिन रहता है। तो D0 से मैं सिग्नल पिन रिले को दे रहा हूँ और उसके बाद उसके आउटपुट से N0 NC और कॉमन निकलता है। तो वो मैं 2A स्विच में डायरेक्ट लेके आता हूँ, यानी कि N0 को एक को देता हूँ और NC को एक को देता हूँ। और जो ये 5 पिन सॉकेट है, इसके रिले का जो कॉमन है वो 5 पिन सॉकेट के एक पिन को देता हूँ। और जो हम लोग का जो 230 वोल्ट का जो डायरेक्ट फेज रहता है उसका न्यूट्रल मैं डायरेक्ट कॉमन कर दे रहा हूँ 5 पिन सॉकेट से। केवल फेज को मैं 2A स्विच के बीच वाले टर्मिनल को दे रहा हूँ और उसके बाद और जो कॉमन से निकल के आ रहा है वो 5 पिन सॉकेट में, यानी कि हम लोग का जो पूरा जो सर्किट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है 5 पिन सॉकेट में। और ये 2-phase सर्किट है। तो इस सर्किट डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पे 4 चैनल का एक बोर्ड स्मार्ट बोर्ड बनाया हुआ है। तो ये कुछ ऐसा बोर्ड है कि ये IoT के बेसिस पे कंट्रोल होगा, ठीक है ना। तो आपको ये बोर्ड कैसा लग रहा है आप बताइए, और इसको कैसे कैसे मैं कंट्रोल करूं कमेंट करके आप बताइए। जैसे कि ऐप के थ्रू हुआ, गूगल असिस्टेंट के थ्रू हुआ, फेसबुक के थ्रू हुआ, टेलीग्राम के थ्रू हुआ, बहुत सारे हैं। तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा इसके बारे में।